हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लेट्स कुक विद स्वाति। सो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे ओरियो बिस्किट केक, बहुत ही इजी वे में, जो कि आप किसी भी ओकेजन पे बना सकते हैं। इवन आप बर्थडे पार्टीज में भी इसे बना सकते हैं। तो यहाँ मैंने लिया है ओरियो के बिस्किट्स, किसी भी फ्लेवर के ले सकते हैं आप ओरियो बिस्किट्स, बट मैंने यहाँ चॉकलेट फ्लेवर लिया है और दो बड़े पैकेट लिए हैं। इन्हें हम क्या करेंगे, आप चाहें तो इसे क्रम्बल करके भी डाल सकते हैं जार में, या फिर डायरेक्ट भी डाल सकते हैं। तो हमें इसका पहले बनाना है पाउडर, तो मैंने इसे पीस लिया है, इसको पाउडर फॉर्म में कर लिया है। फिर डाला है मैंने यहाँ पे एक ग्लास बिल्कुल नॉर्मल मिल्क, इसका फाइन पेस्ट बनाने के लिए। तो देखिए पेस्ट बन के रेडी है, मैंने बिल्कुल फ्लोइंग कंसिस्टेंसी लिया है, यही कंसिस्टेंसी हमें चाहिए। अब हम इसे बोल में ट्रांसफ़र कर लेंगे। जब तक हम केक का बैटर रेडी करेंगे, तो यहाँ पे हमें कुकर भी रेडी कर लेना है केक को बेक करने के लिए। तो मैंने यहाँ बड़ा सा कुकर लिया है, उसमें सॉल्ट डाला है, ये सॉल्ट मैं कई बार यूज़ कर चुकी हूँ बेकिंग के लिए, इसलिए ऐसे कलर का है। फिर इसमें डालेंगे एक वायर रैक, या फिर आप कोई बाउल भी यूज़ कर सकते हैं उसकी जगह, और इसे कवर करके बिल्कुल लो फ्लेम पे 10 मिनट्स के लिए गर्म होने के लिए रख देंगे। यहाँ मैंने केक टिन लिया है, केक टिन को पहले मैंने ग्रीस कर लिया है, उसके ऊपर बटर पेपर लगा दिया और फिर से ऑयल से ग्रीस कर दिया है। अगर आपके पास केक ना हो तो आप कोई भी स्टील का बर्तन भी ले सकते हैं, और बटर पेपर ना हो रिफाइंड से आप इसे ग्रीस करके थोड़ा सा मैदा स्प्रिंकल कर लीजिएगा। अब केक को फ्लफी बनाने के लिए मैं यहाँ इनो का एक सैशे यूज करूंगी, आप चाहे तो बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा भी ऐड करके इसको बना सकते हैं। अब हम इसे मिक्स करेंगे, तो मिक्स हमें सिर्फ एक ही डायरेक्शन में करना है और बहुत ही धीरे धीरे करना है। जब तक इसमें झाग ना आ जाए तब तक हम इसे बहुत ही हल्के हाथ से मिक्स करते रहेंगे। चलिए बढ़िया तरीके से मिक्स हो चुका है, अब इसे केक टिन में ट्रांसफर कर लेते हैं। और इसे धीरे धीरे हम डैप करेंगे, जिससे कि जो भी एयर बबल्स हैं अंदर वो सारे रिलीज हो जाएंगे इसमें से। और जो कुकर हमने रेडी करके रखा हुआ था उसकी लिड हटाएंगे और इस केक टिन को कुकर के अंदर सेट कर देंगे। अब कुकर की लिड दोबारा लगा के हम इसे 35 मिनट्स के लिए लो टू मीडियम फ्लेम पे बेक होने देंगे। चलिए जब तक केक बेक हो रहा है हम लोग क्रीम की तैयारी कर लेते हैं। तो यहाँ मैंने 1 कप व्हिपिंग क्रीम लिया है, ये हैवी व्हिपिंग क्रीम है, इसे पहले हम स्लो स्पीड पे बीट करेंगे, जब ये बिल्कुल बीट करते करते गाढ़ी हो जाएगी उसके बाद हम इसमें शुगर ऐड करेंगे। यहाँ मैंने 3-4 स्पून्स आइसिंग शुगर ऐड किया है, अगर आपके पास आइसिंग शुगर ना हो तो आप शुगर का पाउडर भी यूज कर सकते हैं। शुगर पाउडर डालने के बाद हम इसे हाई स्पीड पे बीट करेंगे, बीट करते करते पीक्स बनने लगेंगी। जब आपकी क्रीम अच्छे से बीट हो जाएगी, उसमें पीक्स बनने लगेंगी, तो आप बर्तन को उल्टा करके देखेंगे तो क्रीम बिल्कुल नहीं गिरेगी, इसका मतलब वो परफेक्टली बीट हो चुकी है। तो चलिए केक भी रेडी हो गया है, केक भी चेक कर लेते हैं। अब हम 35 मिनट्स हो चुके हैं, अब हम केक को चेक कर लेते हैं। देखिए मैं इसमें नाइफ डाल रही हूँ, नाइफ बिल्कुल क्लीन आ रहा है। गैस का फ्लेम बंद कर देते हैं और उसे निकाल लेते हैं। अब केक टिन बिल्कुल ठंडा हो जाए उसके बाद हम इसे डीमोल्ड करेंगे। केक टिन ठंडा हो चुका है, अब हम साइड से इसे डीमोल्ड करेंगे और एक प्लेट पर निकाल लेंगे। तो मैंने इसका बर्तन टर्न करके रखा है, थोड़ा सा बैक साइड से इसे डैप किया है, जिससे कि केक आराम से निकल जाए। अब इसका बटर पेपर भी हटा देंगे। देखिए कितना बढ़िया केक बनके रेडी हुआ है। अब हम ऐसे सीधा कर लेती हूँ दूसरी प्लेट रख के। देखिए कितना फ्लफी है केक। आप चाहें तो इसे सेंटर में से कट करके इसकी दो लेयर्स भी बना सकते हैं, बट मैंने यहाँ सिंगल लेयर ही केक बनाया है। अब हम यहाँ पे डालेंगे शुगर सिरप, जिससे कि ये मॉइस्ट हो जाए। अभी ये बिल्कुल ड्राई है, शुगर सिरप डालते ही ये मॉइस्ट हो जाएगा। तो आप चाहें तो बिल्कुल नॉर्मल वाटर में
थोड़ी सी शुगर डाल के उसे डिजोल्व कर लें, उसके बाद ही शुगर सिरप बना के इस पर डाल दें। मुझे यहाँ बेरीज से केक डेकोरेट करना है तो मैंने बेरीज का ही शुगर सिरप यूज़ किया है, मैंने इस पर डाल दिया है। अब जो क्रीम हमने व्हिप करके रखी थी उसे केक के ऊपर लगा देते हैं और बढ़िया से इसे स्प्रेड कर देते हैं। सारी तरफ इसे बहुत ही बढ़िया तरीके से फैला देंगे जिससे कि जो केक का बेस है वो कवर हो जाए और एक क्रीम की लेयरिंग आ जाए इसके ऊपर। अब मैंने यहाँ एक पाइपिंग बैग लिया है, पाइपिंग बैग में मैंने क्रीम फिल कर ली है और अब इस केक के ऊपर डिज़ाइन बना के इसे डेकोरेट कर देते हैं। केक के ऊपर हमने डिज़ाइन बना लिए, अब मैं इसे बेरी से डेकोरेट कर दूंगी। बेरीज आपको किसी भी जनरल स्टोर पे आराम से मिल जाएगा। अगर आप बेरीज यूज़ करना ना चाहें तो आप कोई भी डेकोरेटिव आइटम से केक को डेकोरेट कर सकते हैं। अब मैंने यहाँ एक चॉकलेट ली है, ये डेरी मिल्क है, आप चाहे तो कोई भी डार्क कंपाउंड चॉकलेट ले सकते हैं और उसे एक बार स्क्रेपर से स्क्रैप करके इसको श्रेड कर लीजिए। उसके बाद केक को इस तरह से हम चॉकलेट स्क्रेपर से डेकोरेट करेंगे। देखिए कितना बढ़िया लग रहा है ना केक। आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिएगा और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। चलिए इसे कट करके देखते हैं कितना सॉफ्ट केक है। आप एक बार जब ट्राई करेंगे, इसे कट करेंगे, बहुत ही यम लगेगा आपको, बहुत ही टेस्टी केक है। देखिए आपको दिखाती हूँ मैं कितना टेस्टी केक बन के रेडी हुआ है। ये देखिए कितना सॉफ्ट है, कितना आराम से ये कट हो जा रहा है। कि ये है मेरे किड्स, इन्होंने केक को टेस्ट करके बताया है कितना यमी बना है। तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ करते हैं वीडियो को एंड, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। और अगर आज का मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन को प्रेस कर लीजिए जिससे मेरी नई नई वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे।